सलोक महला पहला दाती साहिब संधियां क्या चल है तिस नाल एक जागन दे नाल हन इक ना सुत्या दे उपाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगों जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु महाराज जी के मुबारक चरण शब्द शामा संध्या वेले दीवान प्रारंभ हुए हैं। तो दीवाना की प्रारंभता लड़ीवार गुरु शब्द विचार के नाल हो रही है। तो कल जो बाणी की विचार प्रारंभ हुई है ये पावन बाणी है श्री राग की वार। श्री राग की वार चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई बाणी है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 83 के उपरों यह बाणी की प्रारंभता होती है। तो ग्रीनवास सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी ने जो बख्शिशा कीतियां हैं जो इस बाणी में समझाया है अपना पड़ा दर पड़ा गुरु शब्द की विचार करनी है। तो जिस तरह पिछले दिनों के आसा की वार की विचार प्रारंभ की सी तो संगतां के मन के यह भी ख्याल आता है विचार आता है प्यार पैदा होता है कि जिमें आसा की वार का असं पाठ कीर्तन सरवण करते रहते हाँ आसा की वार तो इलावा 21 वार हो कुल 22 वार गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। उन्होंने वारा के भी दर्शन करिए कि उन्होंने वारा के गुरु साहब जी ने किस तरह का उपदेश किया है किमें समझाया। सो इसे मनोरथ मुख रखते हुए गुरु ग्रंथ साहब के सब तो पहली वार पहला राग है श्री राग। श्री राग के जो वार उच्चारण की गुरु रामदास पातशाह जी ने उस तो आपने विचार प्रारंभ की है। पहली पौड़ी तक कल की विचार हो चुकी है। इस तो अगे हम अज दूसरी पौड़ी तो इस श्लोकों तो विचार की प्रारंभता करते हैं। वार के कुल 21 पौड़ियां हैं 43 श्लोक हैं। लगभग हरेक पौड़ी के नाल 2 श्लोक दर्ज ने सिर्फ 14 नंबर पौड़ी के नाल 3 श्लोक दर्ज हैं। तो इस तरह संखेप के श्लोक उच्चारण किए गुरु साहब जी ने श्लोक दूजे पातशाह तीजे पातशाह चौथे पातशाह जो पहले पातशाह जी रसना तो उच्चारण किए हुए हैं। पौड़ियाँ सारिया ही श्री गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण कीतिया हुई हैं। सो आओ अज दूजी पौड़ी के नाम के श्लोकों को विचार की प्रारंभता करते हैं। विचार आरंभ करने तो पहला समूह संगत माई भाई अपनी अपनी रसना पवित्र करते हुए अपने अपने परिवार के सबक के भले के लिए प्यार के नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। श्लोक महला पहला दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल एक जागन दे नाल हन एक ना सुत्या दे उठाल। श्लोक महला पहला पहला आप शुद्ध उच्चारण समझ लीए दाती दाती नहीं उचारांगे ये बहुवचन है इसका उच्चारण आप करांगे दाती दाता। साहिब संधियां क्या चल रहा है तिस नाल एक जागंदे ना लहन लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। सुते आ नास की उच्चारण तो गुरु ग्रीनवाज गुरु नानक साहब का यह श्लोक बहुत वड्डे इतिहासक सच्चाई अपने विच समोई बैठा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विचों बड़े कमाल के तत् प्रगट होंगे हैं। कई गल्लां साखियां जो असीं सुनते हाँ पर जदों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बाणी के विच दी विचारीए हैरान हो जाईदा वी सच्चे पातशाह तुसीं तां सारा कुछ सच खोल के साडे सामने रखिआ है पर असीं होरे पासे उलझे फिरदे हाँ। तो अज का यह श्लोक सानू कि गल दस रहा है यह श्लोक दस रहा है ग्रीनवाज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बाणी भगत साहबान जी तो इकट्ठी की बाणी वख वख स्थानों जाके गुरु साहब ने आप नोट की।
आप नोट करके भगतां दी बाणी ते गुरु साहब जी ने अपने कोल सेंची रखी। जदों गुरु नानक देव महाराज जी आप जी ने शरीर बदलिया, गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए, तां इह पोथी इह सेंची गुरु अंगद साहब नूं बख्शिश कीती, शब्द दा थापड़ा दित्ता। गुरु अंगद साहब जी ने उही बाणी ते विच अपनी बाणी जिहड़ी उचारण कीती सी उह जोड़ के उह सेंची अगे श्री गुरु अमरदास महाराज नूं बख्शिश कीती। गुरु अमरदास महाराज जी ने पहले गुरु साहिबान की बाणी ते अपनी बाणी ये सारिया जो सेंचियां सन ये श्री गुरु रामदास महाराज जी ने बख्शिश कीतियां। गुरु रामदास महाराज जी ने अगे जो गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शी ये बाणी ये शब्द का खजाना गुरु अर्जन साहब ने बख्शिश किया। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला आदि स्वरूप तैयार किया। तो यह बाणी की तरतीब है, इतिहास है, पर कई बार इदा दाखियां सुनने आदियां हैं कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखिया, गुरु साहब जी ने भगतों दिन रूहों अपने को बुला लिया, जब गुरु साहब ने हुक्मनामे जारी कर दिते भी जिदे को बाणी है वह लैके आओ, असि ग्रंथ साहब तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की गल नहीं है सात संगत, ठीक है गुरु साहब जी ने कुछ पोथियां कितों मंगाइया, हो सकदियां मिलान करन लई मंगा लईआं हुण वखरी गल है, पर असल जिहड़ा खजाना सी गुरु साहब तो चलता है। दूजी गल भगतां दीआं रूहां बुला लईआं जां कुछ इस तरह, वह गल्लां गुरबाणी आप ही सानूं इह गल्लां दा स्पष्टीकरण बख्शिश कर दिंदी है। तो अज दा इह श्लोक किस प्रथाए है, गुरबाणी विचों सानूं किवें पता लगता है कि बाणी पहले पातशाह कोल वी सी, दूजिआं कोल वी सी, तीजिआं कोल वी सी भगतां दी बाणी, उहदा पता सानूं इत्थों लगता है कि गुरु साहिबान जी ने जो बाणी उचारण की है तो कई श्लोक ऐसे हैं जो गुरु नानक देव महाराज जी के बाकी भगतों की बाणी जुड़ जाते हैं। यदा मतलब जो गुरु नानक साहब ने श्लोक उचारण किया उदू पहला गुरु साहब के अगे वो नाम का कोई श्लोक है सी, जे गुरु अंगद साहब या गुरु अमरदास महाराज जी ने कोई श्लोक उचारण किया जो भगत बाणी हूबहू रल रहा मिल रहा, तो यह मतलब उन्होंने को भगत बाणी पहला है सी, ताही उन्होंने बाणी का श्लोक भगतों की बाणी में होर एक्सप्लेन कर रहा, होर समझा रहे। तो कई गलों के दर्शन आपां होंगे जाएंगे। अज का जो श्लोक है इतों आप विचार शुरू कर रहे हैं। बाबा फरीद साहब महाराज जी के श्लोकों के फरीद साहब महाराज जी की बाणी के श्लोक, उन्होंने श्लोकों के 112 नंबर श्लोक आता है जिथे जाके रब की बंदगी करन दी गल फरीद साहब दसदे हैं। फरीद साहब जी ने उत्थे श्लोक उचारण किया, पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहन से साई कन्हो दात। इहदे नाल ही अगला श्लोक है, दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जागन दे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठा। हूँ जो अगला श्लोक है फरीद साहब के श्लोक सू नहीं पता लगेगा, पर जो गुरु ग्रंथ साहब से आप पाठ कर रहे हैं ये श्लोक हम पहले पातशाह गुरु नानक साहब के नाम हेठ आ गए, यदा मतलब फरीद साहब की बाणी के गुरु नानक साहब के श्लोक भी ने, गुरु अमरदास जी के श्लोक भी हैं, तो गुरु अर्जन देव जी के श्लोक भी हैं। जिथे जिथे गुरु साहब ने महसूस किया भी फरीद साहब की गल हो सकता लोग कोई भुलेखा ना खा जा, जिन्हां दी गल नूं होर ज़्यादा विस्तार नाल दसना चाहिए तो उत्थे उत्थे अपने श्लोक उचारण कीते। फरीद साहब का श्लोक है फरीदा, जदों बंदगी कोई करता है पहले पैरे फुलड़ा, दिन ते रात अठ पहर हुंदे ने, चार पहरां दा दिन ते चार पहरां दी रात, रात दे चार पहर कित्थे हन, शाम दे 6 बजे तों लैके 9 बजे तक रात दा पहला पहर हुंदा, 9 बजे तों लैके 12 बजे तक रात दा दूसरा पहर हुंदा, 12 तो लैके 3 बजे तक रात का तीजा पहर हुंदा है, 3 बजे तो लैके 6 बजे तक रात का चौथा पहर हुंदा है। तो इतों अगे दिन शुरू हो जाता है इस तरतीब नाल। तो बाबा जी ने फरमाया कहिंदे जे कोई बंदगी करदे ना पहला पहर रात का शाम 6 तो लैके 9 बजे तक उहदी बंदगी इस तरह है जिवें फुल हुंदा है, दरख्तां नूं फुल लगदे आ सोहणे लगदे, अखां नूं सोहणे लग सकदे हन पर रज कदों आउंदा जदों दरख्त दरख्त ते लग्या हो फल खा लेंगे, फल कदों मिलेगा। बाबा जी कहते पहले पैर जो तुम बंदगी करोगे फुल जब फुल की तरह है सोहनी है खुशबू देगी,
पर जे असल फल लेना फल भी पछा रात रात का पिछला पहर अमृत वेला जिसनों आप कहने उस वेले छे 3 बजे तो लैके 6 बजे तक का समा भी उस वेले तुसी इदां करो बंदगी करो ते जिहड़े जागणगे ओह रब जी तो दातां प्राप्त करनगे। पहले पैरे फुलरा फल भी पछा रात जो जगन रहन से साईं कदों दात ओह मालक जी तो दातां ब्यंत दातां लै गए। हुण फरीद साहब का कहना बिल्कुल सही है पर गुरु नानक देव महाराज जी ने इस गल नूं होर एक्सप्लेन किया होर इहनूं विस्तार दिता भी किते ओह लोकी जिहड़े अमृत वेले जाग पैंदे हन हंकार दे विच ना जाण होमे च ना जाण भी असीं तां सवेरे जागदे असीं तां सब तों वड्डे भगत बन गए। जिवें इक कहावत भी आउंदी है छोटी जी घटना भी आउंदी है कि अनायत शाह ने बुल्ले नूं कहा कि तूं जाग उह सवेरे जागिया ते अपने मुर्शद दे नाल तुरिया जा रिहा मसीत वल नूं जदों जा रहा तो रस्ते च लोकी मंजियां डाहीं सुते पे उन्हां समय च आप संगतां जाणदे हो पिंडां च नगरां च लोकी गर्मी हुंदी सी वेहड़े दे विच जां गली च वी बीही च वी मंजियां डाह के सौं जांदे सी लोकी सुते पए आ। बुल्ला शाह आपणे मुर्शद नूं कहिंदा अनायत शाह नूं कहिंदा कहिंदा देखो शाह जी लोकी किवें गफलत दी नींद विच सुते पए ने। अनायत शाह कहिंदा बुल्लिया चंगा हुंदा जे तूं वी सुते ही रहिंदा चंगा होंगा तू सुते ही रहता वो अज पहले दिन तू जागया पहले दिन जाके खुदा की बंदगी अजे की नहीं तू तो हंकार पहला चुक लिया मैं दूजिया तो चंगा तो इदा कुछ लोग हंकार चुक लेंगे है वो शरीरक तौर पर जागे हुए हैं पर मानसिक तौर पर जागते नहीं हैं इदा के भी है पर कई इदा के ने जिन्हों गुरु मिल जाता है उन्होंने कोई दिन च दोपहर या शाम किसी वेले भी कोई गुरु की गल दिल में छो गई सतगुर सोल में वाहिया बाण जोए लागत ही भागे भरिया कबीर साहब ने फरमाया गुरु की गल दिल से असर कर गई वो दिन के किसी पैर भी उन्होंने अंदर ऐसी जाग पैदा हो जाती है जिन्हें सुते जगा के रब ने ज्ञान देता होगा। तो गुरु साहब जी ने एक पॉसिबिलिटी रखी है एक रस्ता रखिया भी इदा भी हो सकता है इस करके सवेर वेले जागण वाले रब की दात रब की रहमत सब तो वड्डी चीज समझ हंकार ना चुक ले। सवेर वेले कई बार एक रोगी भी जाग सकते हैं विषयी बंदे भी जागते हैं रात में 2-3 बजे का समा उस वेले नींद बड़ी ज्यादा आई होंगी चोरियां करने वाले चोर भी उस वेले जागते हैं वैसे वे लोग सुते पै चोरी कर रही है। तो शरीर करके कला जाग जाना वड्डी गल नहीं शरीर करके बहुत जाग सकते हैं पर असल जाग आवेगी सुत दी। तो गुरु साहब ने दोवें चीजा रखी शरीर का भी जागना फरीद साहब का श्लोक मटिया ज कटिया नहीं है वो भी अपनी थां ते रखिया क्योंकि गुरसिखी अमृत वेले की अपनी महानता है गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ध्यान है उत्तम करे भलके प्रभाती इनाम करे अमृत सब नाम है हों सदके तिना गुरसिख अमृत वेले उठ बहंदे। तो बाबा भाई साहब भाई गुरदास जी ने वचन कहे तो इस करके अमृत वेले रद्द नहीं किया पर अमृत वेले प्रति सुचेत किया भी कला शरीर का जाग जाना अमृत वेला नहीं शरीर का जाग जाना पहला स्टैप असल में इस वेले जाग के तुसी अपने सुरत नूं जगाउणा है गुरु नाल अपने प्यार नूं जगाउणा है ये चीज़ जगा होमे नूं ना जगा लिया। तो फरीद साहब के श्लोकों के विच यह गुरु नानक साहब महाराज जी का यह श्लोक दर्ज है इहदा मतलब गुरु नानक साहब के श्लोक गुरु नानक साहब कोल फरीद साहब की बाणी ऑलरेडी है सी ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਲਰੇਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। दाती साहिब संधियां दाता मालक जी दियां हन बंदे दा कोई दावा नहीं होदियां दाता ते मालक ओह है क्या चलदा है किस नाल बंदे दी हिम्मत बंदे दा हंकार बंदे दा दावा इत्थे नहीं चल सकदा है। एक जागण दे नाल हन एक जिहड़े केवल शरीर करके जाके ओह नहीं लै सकदे प्राप्त नहीं करदे हन एक ना सुत्तिआं दे उठार कईआं नूं सुत्तिआं नूं उठार ਸੁਰਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
उन्हां दा सारा जीवन ही अमृत वेला हो जाता है, वह अमृतधारी हो जाते हैं, अमृत नूं धारण कर लैंदे जिंदगी दे विच। तो इस तरह मेरे पातशाह जी का यह श्लोक खरीद साहब महाराज के श्लोकों में भी आता है, जो सानू दसदा है कि गुरु साहब के कोल भगत बाणी लड़ी वार चलती आई है। और भी अगे आप दर्शन करांगे इदां श्लोक आउंगे। तो आप जी ने रब की टेक लैन का उपदेश इस श्लोक दे विच कीता है। महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर तो साम लायका दीदार पूरे पायसा खाओ नाही खायका। ये श्लोक गुरु नानक साहब जी का सिदक सबूरी साधका सावर दोसा मलायका दीदार पूरे पायसा पायसा जो चल पायसा नहीं करांगे पायसा थाओ नाही खायका खायका का मूर्खा सिदक सबूरी साधका साधक कहने ने विश्वास सिदक रखने वाले जेड़े सिदक रखने वाले हैं ओह विश्वास करने वाले रब के भगत उन्हां दे अंदर सिदक ते सबर हुंदा है। सबर बहुत हुंदा है सबर संतोख संतोख थाप रख्या जिन सूत धर्म अते दया दे विच्चों जीवन दे विच जिहड़ा गुण आवेगा संतोख दा आवेगा। तो सिदक सबूरी सबूरी कहने में संतोख साधकां साधक लोकां दे अंदर विश्वास करने वाले दे अंदर सबर तोसा मलायकां सावर का तोशा तोशा कहने में खजाना खर्चा और जिंदगी दे रस्ते ते रब दे उपर बड़ा सावर करके चलते हर एक चीज ते ये मलाइकां दा वाहिगुरु दे प्यारियां दा दरवेशां दा खजाना है। जिवें खजाना होंदा ना दौलत पैसा कोई काम आउंदा औखे सौखे वेले वह कहने ने साडे कोल सावर दा गुण ही सानू काम आउंदा है सिदक दा गुण ही सानू काम आउंदा है दीदार पूरे पाए सा इस तरीके जिहड़ा भगत है पूरे दे दीदार कर लैंदा की है थाओ ना ही खाएका खाएक कहिंदे ने जपजी साहब च दर्शन करदे आ जे को खाएक आखन पाए को जाने जेतियां मुँह खाए खाएक कहिंदे ने जिहड़ा डूंघा विचारे ना सोचे ना केवल बोली जाए गली मारी जाए थाओ ना ही रब दे रस्ते ते उन्हां दा थां नहीं है कोई जिहड़े केवल गल्लां ही करी जा रहे गल्लां ही करी जा रहे है जिन्हां च ये उपरले गुण नहीं हन सबर नहीं है सिदक नहीं है संतोख दा खजाना नहीं है जिन्हां दे कोल ओह तां केवल गल्लां ही मार रहे हन। लोहड़ी सब आपे तुद उपाए कै आप कार लाई तू आपे वेख विकसदा अपनी वड्याई। हुण इह दूसरी पौड़ी है गुरु रामदास महाराज जी दी रसना तो उच्चारण कीती हुई आप जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी बेअंतताई दा जिक्र करदे हुए फरमा रहे हन सब आपे तुद उपाए कै रब जी सारा कुछ अपने आप ही पैदा करके तू आप ही सारे कार लाई आप अपने काम कार लाया होया है तू आपे वेख विकसदा अपनी वड्याई अपनी वड्याई जिवें संसार दी मर्यादा चला रहे हैं चलदी नूं देख के तू सदा ही विकास दे विच फिकर च नहीं है। मनुख का होना मनुख का काम करना फिकर विच हुंदा है। असी दुनिया के लोग जदों भी कोई काम करते हैं वो काम करन तो पहला भी उस पीरियड विच भी ते असी एक फिकर दे विच टेंशन च रहिंदे आ वी किद्दां होवेगा किन्ने एफर्ट्स करने पै रहे हैं बहुत कुछ मनुख दीआं सोचां धारणां चलदीआं रहिंदीआं पर मालक जो कोर ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी है इन्ने परफेक्शन दे नाल हर एक चीज़ नूं चलाया होया है वी उह सदा विकास दे विच ही है उत्थे कोई फिकर जां चिंता दी गल नहीं और एडा प्रबंध चला के भी हमेशा ही विकास जिवें फुल खिड़दा खिड़िया हुंदा है एक खिड़ाओ विच ही वो परम सत्या रहिंदी है। पर तुदहों बाहर किछ नाही तू सच्चा साईं तेरे तो बाहर कुछ है ही नहीं सारिआं दा सच्चा साईं मालक तू आप है कोई ऐसी कार मर्यादा कोई कर्म नहीं जिहड़ा तेरे हुक्म तो बाहर हुंदा होवे तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई सारिआं थावां दे उपर तू आप ही आप वरत रहा है
ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਤ ਸਹਿ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜੋ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇੱਕਾ ਛਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਲਾਭ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਫੱਕੜ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਫੱਕੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਏ। ਫੱਕੜ ਤੋਂ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਤ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਮਾਣ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਛਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਛਾਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਇੱਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਹੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਆਪੋ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਤੈ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਪੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ, ਨੇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਨੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ
ਬਚਨ ਪਲਿੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇਖੋ, ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਤੁਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਤ ਜਾਤ ਕੇ ਭੱਲੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲਾਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਫੱਕੜ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਜੇ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਜ ਏ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ, ਪਾਛੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਨਾ,
ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਤੇ ਧਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਧਰਕਾਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਦਸ ਚਾਰ ਹੱਟ ਦੁੱਧ ਸਾਜਿਆ ਵਾਪਾਰ ਕਰੀਵੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਲ ਦੇਣਾ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਰੁਕੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਸ ਚਾਰ ਹੱਟ ਤੁੱਧ ਸਾਜੇ ਆ ਵਾਪਾਰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਚਾਰ ਦਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੌਦਾਂ ਹੱਟ ਹੱਟੀਆਂ ਲੋਕ ਤੁੱਧ ਸਾਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਵਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਇੱਦਾਂ ਚੌਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਲ ਅਤਲ ਸਤਲ ਵਿਤਲ ਤਲਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਾਤਲ ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਸੱਤਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਆਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਸੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਈ ਜਾਓ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਚੌਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੋ ਇਹ ਚੌਦਾਂ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਸ ਚਾਰ ਹੱਟ ਤੁੱਧ ਸਾਜੇ ਹਨ ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਚੌਦਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇ ਇਕਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਲਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਤਿੰਨ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਮਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਏ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਟੀਵੇ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ
मन्नै करै तारे गुर सिख। परिवार केड़ा है? सुखी वसै मोलो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा, भनानंद करह नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी। वो नर नारियां केड़ियां जो आनंद कर दिया। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया। केड़ा परिवार है? तीन रूप च समझे गुरु प्यारे। पहला परिवार है जिस परिवार दे विच बंदा जन्म लैंदा है। जो उस परिवार च कोई अपने जीवन में सफला कर लैंदा, वह परिवार का सत्कार, उसकी इज्जत, उसका मान दुनिया विच बढ़ जाता है। उसके परिवार च हालांकि दूजा उदा का कोई नाम भी पैदा हो, पर उस महान पुरख करके वह परिवार की एक पहचान बन जाती है समाज में, ये दुनियादारी का परिवार है। दूजा है परिवार गुरमुख प्यारियां का परिवार, जिहड़ा सिक्ख्या लै लैंदा है, उस सिख नूं पुत्तर की तरह समझा जाता है। जदों गुरु नानक के घरों गुरु अंगद साहब ने सिक्ख्या लैके उस रूप हो गए, गुरु अंगद साहब तो सिक्ख्या लैके गुरु अमरदास जी उस रूप हो गए, तो गुरु अमरदास जी की वड्याई के भाई सत्ता जी बलवंड ने जो बचन कहे, वो कहें प्यो दादे जे वेहा पोता परवान। गुरु अमरदास जी कहते भी ये पोत्र है प्यो दे दादा गुरु अंगद साहब ते गुरु नानक साहब, उन्होंने तरह ही भी उही परवानता है। तो एक ये परिवार होता है, जिमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अपना बच्चे कहाने, बच्चियां कहाने, क्यों असी गुरु की सिक्ख्या से चलन का यतन कर रहे हैं, उस रूप धारण करके। ये परिवार है जिहड़ा सिक्ख्या मन लैंदा है, वो भी पुत्र धी बच्चा बन जाता है जिन्हें सिक्ख्या मन ली। जिहड़ा सिक्ख्या ना उन्हें बहुती बारी माँ बाप कहते हैं तू मेरा कादा पुत का दी धी जे तू मेरी मनी ही ना, तो सिक्ख्या मनन ते उहदे अनुसार चलन वाला भी पुत धी हो के वह परिवार बन जाता है। इदी जे गुरु की सिक्ख्या मनते गुरु का परिवार है। तीजा परिवार किसनों कहते हैं? परिवार कहते हैं आप अपने शरीर वाल देखो, ये दो अखा ने, दो कन्न ने, नक है, ये ज्ञान इंद्र कुछ पुलिंग रूप के कुछ स्त्रीलिंग रूप के कुछ मेल रूप च ने कुछ फीमेल रूप के अखा स्त्रीलिंग रूप ने, कन्न पुलिंग रूप च ने, जीव स्त्रीलिंग रूप के आ जाती है। तो यह शरीर का परिवार है, शरीर परिवार आनंद करें नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी। नर नारियां आनंद करते हैं भाव जो आत्मक आनंद मिल जाता, अखा च, कन्ना च, जीव च, ज्ञान इंद्रिया च, कर्म इंद्रिया च, एक रस्ता च आनंद बन जाता है। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया, बेड़े मेरे मालिक जी तेरे आसरे में अपने सारे ज्ञान इंद्रिया रूपी परिवार को इस रस्ते पर लगा दिता, भाई गुरु की सिक्ख्या से चल के ला। तो यह भी परिवार है। तो इस तरह जो अर्थ गुरबाणी के हो गए तो बड़े विशाल अर्थ होंगे हर एक चीज़, तो उस विशालता को जो असं मुख रख के समझ के चलेंगे तो सू गुरबाणी के ज्ञान के आप योग होंगे जावे गुरु दख्शिशा। जे अपने आप में किसी खास दायरे च बंद कर लिया, जी असर फलाने के अर्थ पढ़े से उठ ही रुकना है, जो असं दोनों तो सिक्ख्या ले सी, वह जो फाउंडेशन ने उन्होंने गुरु ने आप क्या है, गुरु का समुद्र है, तो समुद्र से आप तैराक बनना है। गुरु को मेरे पातशाह गुरु गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं, कोई आप छुट्टे परिवार स्यों, जेडे गुरमुख बन के अपने परिवार समेत छुट गए, अपने ज्ञान इंद्रे कारण इंद्रिया भी रास्ते आनंद लै गए, विषयों को बच गए, अपना परिवार जेडे गुरमुख संगी जन से उन्हों का भी भला हो गया, जिस फैमिली के जन्म लिया उन्होंने भी माण सत्कार मिल गया, भाई इन्होंने घर से महान शख्सियत पैदा हुई सी, उन्होंने भला हो गया। तिन पिछे सब जगत छुट्टी वै, उन्होंने पिछे पिछे ऐसा राह बन जाता है सदियों तक, जगत के लोग उन्होंने महान उपदेशों को सीध लैके विषय विकारों को होर पास तो छुट जाते हैं, वो भी अपने जन्म को सफला करते रस्ते पै जाते हैं। श्लोक महला पहला, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। आप जी ने इतने बख्शिश की, हूँ इतों सत्संग चौथी पौड़ी के श्लोक शुरू हो रहे हैं। श्लोक महला पहला, पहले महल गुरु नानक साहब जी ने रसना उच्चारण किया हुआ श्लोक है।
कुदरत करके वसया सोए। कुदरत करके करके का अर्थ है बना के सिरज के, वसया सोए ये बेच आप ही वह वस रहा है। वक्त विचारे सो बंदा हो, मनुख भी ऐसी कुदरत का एक हिस्सा है। इस कुदरत मनुखा शरीर के आके जरा वक्त को समय को विचार लेता है। सो बंदा हुए समझो वह ही बंदा है, भाव उसने ही अपने मनुखा जीवन का राह लिया। उ बंदा मतलब उसने ही मनुखा जीवन का अपना लाह लिया है। अदरवाइज तो पशु पंछियों की तरह ही है, पशु और पंछी भी आते हैं जन्म लेंगे है, तो वह अपना खाण पीन चोगा चुगते हैं, फिर अपने बच्चे अगे पैदा करते हैं, तो अखीर मर जाते हैं, फिर तो मनुख भी इदा हो गया। पर जे ये कुदरत के समुचे ढांचे समझ के इनू सिरजन वाली ताकत वाल झुका रख के वह जानने वाले पास मानने वाले पास चलता है। फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते कि इन्हें वक्त विचार लिया मनुखा जन्म चाहिए कोई उपरली चीज प्राप्त करिए। सो बंदा हो समझ लो उन्हें बंदे ने जामे चाहिए लाह ले लिया, नहीं तो पशुओं की तरह ही रह जाता है। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए। मालिक जी की कुदरत, कुदरत आला दुआला पसारा, कुदरत कक्के औंकड़ दत्ता रारा तत्ता तत्ते सियारी। कुदरत कुदरत स्त्रीलिंग शब्द है, इस करके कुदरत शब्द जो आता है सियारी लगी हुई होती है, स्त्रीलिंग शब्दों सियारी लगी हुई होती है। गुरु ग्रंथ साहब च जिमें गुरमत शब्द आप पढ़ते हैं कक्के औंकड़ रारा मम्मा तत्ता तत्ते सियारी गुरमत, तो गत शब्द देखो गगरा दत्ते सियारी गत, तो इदा यह शब्द जो स्त्री लिंग होंगे हम बहुत बारी इन्हों सिहारी लगी हुई होती है। कुदरत है कीमत नहीं पाए, मालिक की कुदरत का पसारा बड़ा व्डा है, वह आप ये वरतद है पर यदि कोई कीमत नहीं पा सकता। जब कीमत पाए तो कहीं ना जाए, जो कोई कीमत पाने का यतन भी करे भी कोई संख्या कोई सोच लीए तो वह कहने विच नहीं आएगी। बंदा अपने अंदर तो कुछ महसूस कर लेगा पर जुबान तो शब्दों जरिए हिंदसियां जरिए अखर जरिए उसनों बयान किया जा नहीं सकेगा। सरै सरीयत करें विचार, बिन बूझे कैसे पावे पार। सरै शरीयत, शरीयत भी कह दें शरीयत शरा यह इस्लाम धर्म के जो उन्होंने जीवन जीवन के लिए मर्यादा है उन्होंने शरा कह लेंगे, आप मर्यादा कह लें वो शरा कह लेंगे। वैसे अपना असल शब्द है गुरमत, तो लोग की करते हैं शरह शरीयत करें विचार, वो शरा दे ही विचार करते हैं, शरा चे लिखिया इदा करना, शरा चे लिखिया इदा करना, बिन बूझे कैसे पावे पार। पर सच में बुझन का यत्न नहीं करते, जदों तक बुझन का जानने का यत्न नहीं करेंगे कैसे पावे पार, कि पार पैणगे किमें अगे पार उतरणगे। हो जे सच नूं जानण दा जतन नहीं करनगे तो किमें पार उतरणगे, भाव पार नहीं उतर सकणगे। तो बहुत बारी सिख धर्म का पैदा ही इस करके होया सी, प्रगट ही इस करके होया सी कि इन्हां चीज़ां चों बाहर कढ़िया जाए, पर अज दे सिख आप इन्हां चीज़ां चों नहीं। तो थोड़ी जी गल होंदी है जी मर्यादा इदां होगी, मर्यादा भंग होगी, मर्यादा इदां हो जाए। मर्यादा की है, मर्यादा है डिसिपलिन, इंग्लिश के जो शब्द बोल रही है डिसिपलिन। किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसिपलिन बनाया जाता है ता जो चीज़ सौखे ढंग हो सके, तो एक वो सिमिलैरिटी हो गए भी बारी बारी कि वक्रे वक्रे तरीके करते बंदा उन्ना पाता जी, तो इतने डिसिपलिन बनाया जाता है। वो डिसिपलिन मौके मुताबिक कई बार थोड़ा मोटा अगे पिछे हो जाता, तो वो चीज़ा का एड्डी गल नहीं होंगी है। गल असल सिख धर्म जो सिद्धांत नहीं टुटना चाहिए, पर हम साढ़े को मैं सिद्धांत वाले किसी का ध्यान नहीं, सिद्धांत की कहता कहते मर्यादा मर्यादा मर्यादा। तो यह गल्ला कुछ एक ऐसा प्रचलित हो गई हम जो कोई प्रचारक भी बोलता तो वह गल पैन लोग तैयार हो जाते हैं तो मर्यादा बारे बोल रहे हैं। तो डिसिपलिन है, किसी भी जगह का कोई डिसिपलिन बनाया जाता है तो समय मुताबिक कई बार चेंज भी हो जाता है, इस कोई वड्डी गल नहीं होंगी है। पर इस तरीके चेंज हो सकता है भी सिद्धांत ना टुटे, सिद्धांत को कोई ठेस ना पहुंचे।
तो यह गल गुरु साहब ने जो समझाइया पर लोग की करते असल गल कड़ देते आप भी कड़ दी मर्यादा कायम रहनी चाहिए सिख चाहे सिख का सिर फाड़ दे गुरुद्वारे च पुलिस आ जाए अखबार च खबर लग जा एक दूजे की पग अपने हाथों च हो पैर च हो चीजा चंगी पर यह नहीं असं हो देना जी इतनी एड्डी साड़ी जड़ी हुई सोच साडा सिद्धांत की कहना साडा सिद्धांत कहना गुरसिखा एको प्यार गुरमिता पुता भाइया पढ़ो ज्ञानी ज्ञान सिंह जिथे हवाला दिता पंथ प्रकाश ग्रंथ जो जगरीए पुछया नादर शाह ने कहना इन्हों मारीे कि कहना कुछ गुण ने इन्हों गुण है कहना पहली गल है भी असं मार उन्होंने सकते जो अपनी जान बचावे कहना फिर कहना यह तो वो कौम है एक सिख दूजे की जान बचाने अपनी जान कुर्बान कर देता है इनमें एक पाक महान सिख सिख पै वारत जान सिख सिख ली जान कुर्बान कर देता है एडा इतफाक है एडा प्यार है ते अज सिख सिख का वैरी फिर असं कितों कुछ प्राप्त करांगे तो कुछ एक गल्लां दे नाम ते लड़के असं सारे काहे दे उपर अपने इतिहास के पानी फेर देने हैं सिद्धांतों मलिया मेट कर देने हैं वो क्यों इनविजिबल गल्लां ने वो असीं पढ़िया नहीं जां गुरु ग्रंथ साहिब में देखा सी रुमाला पाया होया भी किहड़ा कुछ है जिक्र करना तो पर दूजियां जिहड़ियां फिजिकल कोई गल्लां थोड़ी जिही इधर उधर गल हो गई तो बहुत उत्ता चक लिया उस चीज़ का तो इन्हां चीज़ां तों सुचेत होना गुरमुखो सिखी का मुख है सिद्धांत मैं एग्जाम्पल भी दे दिया समा तो थोड़ा रहिंदा पर एग्जाम्पल दे के गल समझ च आ जाती है जिवें कि साडा सिद्धांत है जो ग्रह प्रसाद की देख वरतदी आ एक मर्यादा है मर्यादा सिद्धांत नहीं कहूँ मैं मर्यादा कहूँ पर एक मर्यादा है ग्रह प्रसाद की देख वरतदी है संगत बैठ के देख लेंदी है तो वरताने वाला देख वरता रहा है यह साड़ी एक मर्यादा बनी हुई है पर श्री हरिमंदर साहब तख्त श्री केसगढ़ साहिब दुख निवारक साहब ज होर वे स्थानों के उपर जिते संगत सारा दिन ही आई जाती है उत्थे सारा दिन संगत को बिठा उठा के प्रसाद नहीं सी दिता जा सकता फिर उत्थे की किया गया उन्होंने वे धामों के उपर देख के काउंटर बना दिए गए काउंटर बना दिए संगत आती है मत्था टेकती है जिन्ना कि समा किसी ने कीर्तन कथा पाठ सुनना सुनिया उदों बाद जाते हुए खड़ के प्रसाद लेंदी है संगत खड़ के प्रसाद लिया जाता है बैठ के प्रसाद सिख जो सवेरे शाम के नितनेम की अरदास होंगे उस वेले बता देंगे कुछ जी संगत सिख दरबार से होगी उन्होंने दे दिता जाता है तो हूँ इतने सिद्धांत या मर्यादा कोई मर्यादा थोड़ा टुटी है इतने असी अपनी सौख में मुख रख के संगत की सौख में मुख रख के गुरु साहब जी के प्रसाद में बरताने का तरीका थोड़ा जहा समय बरात बदल लिया ता जो किसी को औख ना हो हाँ प्रसाद लै लिया तुम चाहे बह के छक लो दो मिनट पर जाके छक लो ये हम डिपेंड करता है तो इदा कुछ एक गल्ला जानू बहुत डूंघाई न सोचने वाली हैं तो मेरे पातशाह जी अज के बचना च फरमा रहे गुरु नानक साहब शरह शरीयत करें विचार बहुते लोग केवल शरह के उलझ के रह जाते हैं बिन बुझे कैसे पावे पाव सच में बुझन का यतन नहीं करते असल गल की है सिद्धांत की है असूल की है निजम की कहता बिना वह समझा तो किमें पार पैणगे भाव वह इन्हों गलों में ही उलझे रह जावणगे सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा तेह तिर मौजूद महाराज करिए कि गुरु साहब कहते जो तू सिजदा करता है सिजदा का अर्थ जिम्मे मुसलमान लोग मके वाले में शरीर अपना सिर झुकाते हैं जब मत्था टेकते कह लो मत्था टेकना है सिदक कर सिजदा तू अपने अंदर सिदक पैदा कर भरोसा पैदा कर यही तेरा मत्था टेकना है मन कर मकसूद मकसूद कहने मकसद टारगेट एम की है तेरा एम की है मन दे विच सच नू वसा एहो ही तेरा एम है एहो ही तेरा टारगेट है जे तू यह कर लेना है जे तिर देखा तह तिर मौजूद जिस पासे भी तू देखेगा तेन मौजूद दिखाई देवेगा तेन वह हर एक थान से प्रतख दिखाई देवेगा पहला तीजा गुर सभा एव ना पाई है ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर का मिले
जा मन रहे हदूर। हुण इह श्लोक तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा अगला श्लोक गुरु नानक साहब ने श्लोक लिखी है व्याख्या। गुरु दे सभा नूं गुरु दे मिलाप नूं गुरमुखो इदां नहीं पाया जा सकदा, ना नेड़े ना दूर। शरीर नेड़े है जां दूर है गल मैटर नहीं करदी है, गुरु आप कह रहे हैं। नानक सतगुरु तां मिलै, हे नानक सच्चा गुरु तां मिलदा है। गुरु की है बाणी, गुरु गुरु है बाणी, गुरु का शब्द, शब्द की है ज्ञान, महान उपदेश चानन। वो चानन तुहाडे अंदर तां आवेगा जा मन रहे हजूर, जदों तुहाडा मन गुरु की हजूरी विच रहेगा। मन नूं हजूरी च रखना सिखना है, इस तरह का जीवन बनाउणा है। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराना। तो गुरु अमरदास गुरु रामदास महाराज जी चार नंबर पौड़ी च बयान कर रहे हैं, बड़ा वड्डा विस्तार दस के गुरु साहब अपनी गल कहेंगे। सप्त दीप सप्त सागर, सप्त दीप धरती के सत सागर, नौ खंड धरती नौ खंडा च भी वंडिया होया है। जिवें अजक आप कह लें हाँ भी किन्ने कॉन्टीनेंट ने, तो उस तरह नाल उदों खंड कह रहे किन्ने खंड ने, तो नौ खंड मनिया जाता है। चार वेद दस अष्ट पुराना, चार वेद आदिक दस अष्ट अठारह पुराण आदिक जो धार्मिक ग्रंथ हैं। हर सपना विच तू वरतदा हर सपना भाणा, हे मेरे मालिक जी तू तो सारे विच ही वरत रहा है। कोई धरती का खंड, कोई टुकड़ा, कोई दीप, कोई सागर ऐसा नहीं जिथे तू ना वरतदा होवे, ते सारे तैनू भा रहे ने, तू सारे नूं भांदा है। सब तुझे ध्यावें जी जंत हर सारग पाना, हे सारंग पान मालिक जी सारे जीव तैनू ही ध्या रहे ने, तेरे आसरे ही चल रहे हन। जो गुरमुख हर आराध दे तिन हौ कुरबाना, जेड़े गुरु दे लड़ लग के तैनू आराध दे तैनू पहचान भी लैंदे। देखो आसरे सारे ओहदे चल रहे ने, पर पहचान दे ओह ने जेड़े गुरु दे लड़ लग गए। जेड़े चीज नूं पहचान गए तिन हौ कुरबाना, मैं उन्हां तों सद के जांदा। जिवें कि सधारण जी दुनिया दी उदाहरण लै लो, बच्चे माता पिता दे आसरे किन्नी तरक्की करदे आ, माँ बाप किन्नियां लोड़ां पूरियां करदे ने, पर बच्चा इन्हां गल्लां तों आम तौर ते अनजाण हुंदा, उहनूं इन्हां चीज़ां दा ज़्यादा नहीं पता हुंदा। दुख करी जाएगा, गुस्सा करी जाएगा, कई वारी लाड़ प्यार जरूर दिखाएगा, पर उहनूं इह नहीं पता हुंदा मेरियां लोड़ां नूं किन्ना ज़्यादा माता पिता अपनी जिंदगी च अहमियत दे रहे, उहनूं अहसास नहीं हुंदा। एहसास कदों हुंदा जदों आप माता पिता बन जाता है, जदों आप बाप बने, दादे तक पहुँच जाए, दादी बन जाए अगे, जदों फिर वो याद करते हैं भी हाँ भाई साढ़े माँ बाप ने सानू इदां पालिया सी, फिर वो एहसास पैदा हुंदा। तो है सारे उहदे आसरे ही ने सारे जीव, पर वो एहसास किसे किसे दे अंदर पैदा हुंदा। जिहदे अंदर पैदा हुंदा गुरु साहब ने, तो गुरमुख ने, जिहड़ा गुरु वल मुख करेगा उन्होंने अंदर एहसास पैदा होंगे, तो जिन्हों अंदर वह एहसास पैदा हो जाए मैं उन्होंने तो सदके कुरबान जाता हाँ। तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा, अखीरली पंक्ति च फरमाया है मेरे मालिक जी तू आप ही सारे कितने वरत रहे, तेरे बेअंत चोज कौतक चारे पास वरत रहे हैं, कोई बिरला बिरला इस गल नहीं सकता। सतगुरु जी ने इतने आके चौथी पौड़ी में संपूर्ण किया। तो श्री राग की बार जो कल तो प्रारंभ हुई है उस दिन चार पौड़ियों तक आप पहुँच चुके हैं, श्लोकों से पौड़ियों के विचार कर रहे हैं। बड़े कीमती रत्न बोल गुरबाणी चो मिल रहे हैं, सतगुरु कृपा करन आने वाले दिनों के अगले विचार करांगे। संगत को भी बेनती है नाल दी नाल आपां जे मोबाइल ते जां पोथी साहब ते भी दर्शन करिए, नाले पाठ शुद्ध शुद्ध पाठ संथ्या होंदी जाएगी, नाले आपां नूं अर्थां दा पता लगता जाएगा। सो अज दे विचार करदे हां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जरूरी बेनती है COVID-19 करके जो लोड़वंद परिवार जां स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खास तौर पर गुरद्वारा साहिब तो
रोजाना 5 बजे तो लैके 7 बजे तक लंगर लगाया जाता है। निशान साहब वाले पास आके आप संगत ने लंगर प्राप्त कर सकते हो। तो जे कोई लोड़वंद हो ग्रोसरी की सेवा भी गुरुद्वारा साहब वालों की जाती है। प्रबंधक साहबान आप जी संपर्क करके अपनी जो लोड़ है प्रबंधक साहबान जी दस सकते हो जी। हूँ सौदा रहगा साहब जी के पाठ होगा उपरंत गुरबाणी शब्द कीर्तन होगा जी। वाह।